आज टाइम्स में नाम आया है, तो आने वाले कल में देश को भी इसको ना नकारते हुए देश को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने उनके जन्मदिन पे उनको बधाई दी, मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपने बेटे को जो है प्रोत्साहित करते हैं, वो जो और ज्यादा मेहनत से काम करता। मायावती आपको अपना दुश्मन बताती हैं, लेकिन क्या भविष्य में उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? वो बड़ी है, मैंने कभी अपने लोगों का अपमान करना नहीं सीखा, मैं तो उनका अपमान नहीं करता हूँ। 131 कल वो बुलाती है आपको जी कि भाई चंद्रशेखर आ जाओ शामिल हो जाओ, क्या करोगे? दो चीजें, अलग अलग पार्टी अलग अलग संगठन होने से वोटों का बंटवारा होगा और फायदा जो है हमारे दुश्मन को ही होगा। मैंने प्रयास किया था कि हम लोग एकजुट रहे, कितनी बार आप अपने आप को जलील करवाएंगे बताइए। तो मैं काशीराम साहब का जो सबसे बड़ी पूंजी मेरे पास है वो उनके सिद्धांत, और उन्होंने मुझे अवसरवादिता सिखाई। और आपको बीजेपी आरएसएस कहती है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करें? आजाद स्वराज समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पे। नहीं, मैं एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप मोदी मीडिया की तरह मत कीजिए कृपया। रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आप घूमते हैं, पैसे कहां से आते हैं? ये अच्छा सवाल है। आज जो लोग प्रदर्शन करके ये कोड़ियों के दाम सरकारी उपकरणों को बेचा जा रहा है ना, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे मैं इनसे सब कुछ छीन लूंगा। कि क्या आपकी पार्टी में गैर दलित युवाओं को भी जगह मिलेगी अगर वो आपकी विचारधारा से सहमत है? मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिनका आपने ट्वीट पढ़ा है, जब वो मुझसे सुनेंगे और व्यक्तिगत मुझे जानने का प्रयास करेंगे तो वो मेरे सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं। कुत्ता भी कम से कम वफादार होता है, यहाँ तो इंसान भी वफादार नहीं है। वो कि जब एक गरीब का बच्चा, शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है मुझे तान के जो है बुलेट पे निकलता है या अपनी गाड़ी में निकलता है, तो तकलीफ उनको होनी चाहिए जिन्होंने आज तक हमें इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है उन्होंने अपने समय में काम किया है। लेकिन मैं अब उनके बोझ को कम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बुआ आराम करे, उनका भतीजा काम करे। क्या आप भी बहन जी की तरह हमेशा अविवाहित रह के समाज की सेवा करेंगे या जल्दी शादी करने वाले हैं? देखिए, मैं ये मेरा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा सवाल है।